दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी के एलएलबी सेकंड मेरिट के एडमिशन कराने की आज लास्ट डेट है। जितने स्टूडेंट्स का नेम सेकंड कट ऑफ में आ गया है वो आज शाम तक हर हाल में अपना एडमिशन करा लें। यहाँ पर आप मेरिट ऑनलाइन चेक कर पा रहे होंगे। एमएमएच कॉलेज की जो कट ऑफ गई है वो 76.70 पर जनरल की, 73.25 पर ओबीसी, एससी की 69.87 और ईडब्ल्यूएस की 69.09 पर गई है। अगर आपकी परसेंटेज इतनी है या इससे थोड़ा ऊपर है तो आपका नेम आ गया है, आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब जिन लोगों का नाम नहीं आया है उनका नाम आएगा ओपन मेरिट में, ठीक है। ओपन मेरिट के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। ओपन मेरिट कब आएगी तो आज 30 सितंबर की शाम तक दूसरी मेरिट के एडमिशन होंगे। इसके बाद में या तो 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को पहली ओपन मेरिट आ जाएगी, ठीक है। जिन लोगों का अब तक एडमिशन नहीं हो पाया है, चाहे तो मेरिट में नाम नहीं आया हो इसलिए नहीं हो पाया है, या मेरिट में नाम आने के बाद आप लोग अपना एडमिशन नहीं करा पाए हो, तो सभी लोग ओपन मेरिट के माध्यम से अपना एडमिशन करा सकते हैं। बाकी और जो कॉलेज हैं वहाँ पर जनरल की ही कट ऑफ लगी है, एस सी एस टी ओ बी सी, ये लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कट ऑफ लगाई ही नहीं है इन्होंने। तो अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो सेकंड मेरिट के माध्यम से किसी भी कॉलेज में, 3 कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मेरिट लगी ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ओपन मेरिट का इंतज़ार करना होगा। ओपन मेरिट 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर को आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर मेरिट लिस्ट कितने परसेंटेज पर लगी है सभी कॉलेजों की जानना है तो यहाँ पर आइए, कोर्स यहाँ पर एलएलबी लीजिए, यहाँ पर ग्रुप में लॉ डालिए और डिस्ट्रिक्ट में जिस ज़िले की मेरिट चेक करना हो उस ज़िले को सिलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड भर के सर्च नाउ पर क्लिक कीजिए, फिर सेकंड कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से सेकंड कट ऑफ आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑफ़र लेटर कैसे निकाल सकते हैं तो बैक आने के बाद में आप नीचे आएंगे तो स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन भरें और लॉगिन पर क्लिक करें, फिर आपका ऑफ़र लेटर भी आपके सामने जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी नोटिस ये है, यहाँ पर देख पाएंगे कि 30/9/2024 3 कार्य दिवस 3 वर्किंग डेज तक एडमिशन होंगे। इसके अलावा इसके बाद में पहली ओपन मेरिट की तैयारी होगी। अगर आपका नेम आ गया है तो आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इसके साथ में सभी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, 10-12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग अपना एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। और पहले ओपन मेरिट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसे जिनका जो एडमिशन देने में असमर्थ रह पाते हैं उनका एडमिशन ओपन मेरिट के माध्यम से ही उन्हें अवसर मिलेगा एडमिशन का, ठीक है। तो ओपन मेरिट अब लगेगी, ये 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को लग सकती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ओपन मेरिट की जानकारी भी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।